हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 9th के हिंदी के चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना, नाना साहब की पुत्री जो चपला देवी लिखी मैना को भस्म कर दिया, ठीक ना, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। इस चैप्टर का हम लोग मस्त इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों देखने वाले हैं। 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और साथ में इसका गद्यांश भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो देखिए, आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो WhatsApp ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए आपका गद्यांश दिया गया है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो आप लोग खुद से रीड करके देख लीजिएगा और आंसर भी खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी 4-5 क्वेश्चन दिया है, तो 2 आपको गद्यांश मिलेगा, 2 गद्यांश का पपज क्वेश्चन आने करके आपका 10 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आपको शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 10 को क्वेश्चन देखेंगे। इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है, यह पंक्ति किस पाठ का है। देखिए, आप चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा, इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है, ठीक है। तो ये कौन से चैप्टर से लिया गया आपको पूछा गया है, ठीक ना। तो कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, क्योंकि इस चैप्टर से पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन, नाना साहब का कहाँ का राजमहल लूट लिया गया था, तो बिट्ठूर का राजमहल लूट लिया गया था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो गया। तीसरा, किस ईस्वी के विद्रोह नेता धुंधु पंत नाना साहब का वर्णन चपला देवी लिखित पाठ में हुआ था, तो किस ईस्वी के विद्रोह, 1857 ईस्वी के विद्रोह था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था, तो देवी मैना नाम था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया था, तो चैप्टर में कहा गया कि भस्म कर दिया गया था, है ना, तो भस्म कर दिया था, सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि देवी मैना किसकी पुत्री थी, तो धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है, सर थॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे, सर थॉमस हे, तो मैना के महल को, किसके, मैना के महल को। आठवां, कि किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई थी, तो सर थॉमस हे ने दिखाया था, दया भाव दिखाया था। अगला है नौवां नंबर, कि नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया, ठीक है, किस ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कथा है, संग्राम से संबंधित कथा है, तो 1857 की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दसवां नंबर क्वेश्चन है कि नाना साहब का क्या नाम क्या था, ठीक ना, नाना साहब का क्या नाम था, तो धुंधु पंत था, ठीक ना, धुंधु पंत था नाना साहब का नाम था। तो 10 को इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ये तो हो गया आप लोग का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं चैप्टर नंबर 5 से, 2-4 को हम लोग देख लेते हैं इसे भी, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव एग्जाम पूछता है, वही चैप्टर का है। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि बालिका मैना के चरित्र की, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आपको लिखने के लिए कहा गया विशेषताएं। तो पहला विशेषता है कि साहस बालिका मैना साहसी है, वो क्या है, साहसी है। दूसरा विशेषता है कि बालिका मैना तर्क करना खूब जानती है। तीसरा विशेषता है कि बालिका मैना भावुक भी रहती है, यानी भावुक है। चौथा है कि मैना कानपुर के जिले में, सॉरी किले में, अपना अमर बलिदान दे देती है। तो ये थी विशेषता बालिका मैना की, ठीक ना, तो ये हो गया 4 विशेषता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया कि लॉर्ड कैनिंग के तार में क्या हिदायत दी गई थी, उस पर किसने क्या कार्रवाई की। तो लॉर्ड कैनिंग के तार में क्या हिदायत दी गई थी, उसने क्या कार्रवाई की थी, आपको लिखने के लिए कहा गया है। तो क्या कार्रवाई दिया गया था, कि तार में लिखा था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है, ठीक ना, तार में क्या लिखा था, तार में लिखा था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है
कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, वहाँ ऑर्डर था लंदन से, ठीक ना। इसीलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी समय क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे और घंटे भर में क्या हुआ, वह महल मिटा यानी मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि लंदन से मंत्रिमंडल से यह मत था, ठीक ना। ये तो आगे आपका आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें कि सेनापति है ने मैना तथा राजमहल को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किया, क्योंकि सेनापति है ने बचाने का प्रयास किया था। तो क्या क्या प्रयास किया कि उन्होंने जनरल आउटरम से विनती की कि मैना तथा बिट्ठूर के राजमहल को बचा लिया जाए, और उन्होंने जनरल लॉर्ड कैनिंग को इस विषय में तार संदेश भिजवाया था, ठीक है ना, राजमहल को बचवाने के लिए तार संदेश भिजवाया था। तो तीन नंबर का आंसर भी कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं हम लोग चौथा। इसमें कहा गया है मैना की अंतिम इच्छा क्या थी जिसे अंग्रेज जनरल पूरा ना कर सके। तो मैना की अंतिम इच्छा क्या थी जिसे अंग्रेज जनरल पूरा ना कर सके। तो मैना की अंतिम इच्छा यह था कि वह अपने टूटी हुई राजमहल पर बैठकर थोड़ी देर के लिए रो लेना चाहती थी। मतलब मैना की अंतिम इच्छा थी कि अपने राजमहल पर बैठकर रो लेना चाहती थी, ठीक ना, जिसके उसका दिल हल्का हो सके, मतलब जिससे उसका दिल हल्का हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन पत्थर दिल आउटरम ने उसकी इस छोटी सी इच्छा को पूरा ना कर सका। जो आउटरम था उसकी इस इच्छा को पूरा ना कर सका, ठीक ना। तो ये होता आपका आपका आंसर हो गया। तो चार को क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में 10 को क्वेश्चन आ रही है आपके ध्यान से, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। PDF लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक प्यारा सा आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, यानी 40/40 यानी 40/40 ला सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।